हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो फ्लो प्लान हब चैनल। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने यहाँ पे अपना कंप्लीट, यहाँ पे एक तरीके से जो मॉडल था, मॉडल ने से अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसमें सिंपली हमने वॉल, डोर्स, विंडोज, कॉलम, बीम, फ्लोर, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली। साथ ही में यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पे अपना सिंपली जो स्टेयर का पार्ट है वो भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। सो इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे सिंपली कि अगर हमें यहाँ पे रोड क्रिएट करनी है, फुटपाथ क्रिएट करना है और सिंपली यहाँ पे और टोपो सरफेस अगर हमें यहाँ पे क्रिएट करनी है तो वो हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम अपने ट्यूटोरियल को। सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे अपना 3D मॉडल आप देख सकते हो, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आएंगे अपने ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि ग्राउंड लेवल ही हमारा यहाँ पे रोड लेवल है। और यहाँ पे ये जो प्लॉट है, दिस इज़ अ कॉर्नर प्लॉट, यानी कि आपकी रोड इस साइड भी है और आपकी रोड इस साइड भी है और इधर आपके दूसरे घर बने हुए हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सिंपली यहाँ से हम फ्लोर कमांड ही लेंगे। फ्लोर आर्किटेक्चर पे आते हैं और यहाँ से जेनरिक 12 इंच हम फ्लोर ले लेते हैं, ठीक है। देन यहाँ से सिंपली लाइन कमांड, लाइन कमांड लेने के बाद हम यहाँ पे इस स्पेसिफिक कॉर्नर पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हैं, समथिंग लाइक दिस। पहले तुम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा फुटपाथ का पार्ट है उसको यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे, ओके। सो इस पॉइंट से हम आ गए एंड अगेन यहाँ से लाइन एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू मैं पीछे तक कहाँ पे कुछ इस तरह से इसको क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ जो फुटपाथ की थिकनेस मैंने कहा इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 5 फिट। सो यहाँ से भी सेम फ्रंट में मैंने कहा यहाँ पे 6 फिट का आपका फुटपाथ है एंड समथिंग लाइक यहाँ से क्लोज। और इस लाइन को पिक करके मैं आगे की तरफ कुछ इस तरह से ड्रैग कर दूंगा, ओके। सो ये आपका फ्रंट का फुटपाथ आ जाएगा। फुटपाथ की अगर आपको विड्थ ज़्यादा लग रही है सो लेट्स से 5 फिट ही हम कर देते हैं इसको, ओके। सो अगेन यहाँ से हम लाइन टूल लेते हैं, क्योंकि फुटपाथ आपका एक साइड तो नहीं, अदर साइड भी होगा। मैंने कहा यहाँ पे रोड की विड्थ 20 रहेगी, तो सिंपली अपने कर्सर को इस पॉइंट पे लाऊंगा, आगे की तरफ ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। मैंने कहा 20 फिट की रोड है, इस पॉइंट पर हमने क्लिक किया अगेन। देन इधर भी हमारी सिंपली स्ट्रेट चला जाएगा। फिर यहाँ से समथिंग लाइक आपका जो भी फुटपाथ आपको अगेन देना है, फुटपाथ आप दे दीजिए, लेट्स से हमने यहाँ पे 6 फिट का हमारा फुटपाथ है और समथिंग लाइक दिस, ठीक। फिर यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से, यहाँ से हमने कहा अवर रोड इज 18 फिट वाइड लेट्स से, और समथिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर। और यहाँ पे इसके अलाइनमेंट में हमारा सिंपली ये साइड का भी फुटपाथ तैयार हो गया, ओके। सो सिंपली सेलेक्ट दिस और यहाँ पे विड्थ हम 5 फिट कर देंगे एंड सिंपली सेलेक्ट दिस एंड इस विड्थ को भी हम यहाँ पे 5 फिट कर देंगे, ओके। या फिर आप अलाइन भी कर सकते हैं, सिंपली फिनिश दिस पार्ट। तो हमारे पास ये फुटपाथ क्रिएट हो गया। अब हम रोड क्रिएट करेंगे। सो अगेन ग्राउंड लेवल पे गए, अगेन मैंने फ्लोर लिया, लाइन कमांड लिया और फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, समथिंग कुछ इस तरीके से हम अपनी यहाँ पे रोड भी क्रिएट कर देंगे। सो हमारी रोड यहाँ पे इस तरह से क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे जो फुटपाथ का लेवल, इसको मैं थोड़ा सा हाइट पे ले लूँगा। सो हाइट ऑफसेट लेट से हम 3 इंचेस कर देते हैं, यानी कि जो हमारा फुटपाथ है वो 3 इंचेस यहाँ पे हाइट पे आ जाएगा, ओके। देन यहाँ पे फ्रंट में हमें अपना स्लोप क्रिएट करना है। सो ये जो कॉलम है इसको मैं ग्राउंड फ्लोर से ना स्टार्ट करके ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करूंगा एंड समथिंग लाइक दिस, ओके। देन यहाँ से लेफ्ट व्यू लगा लेते हैं। लेफ्ट व्यू लगाने के बाद नेक्स्ट यहाँ से कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, यहाँ पे आप सिंपली अपना स्टेयर सेलेक्ट कर सकते हो, एक तरह से आपका स्टेयर का ही पार्ट रहेगा ये, राइट। फिर यहाँ पे क्योंकि रैम्प आपका यहाँ पे ऐसे कोई ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। सिंपली स्टेयर, सिंपली ओके, ओके अगेन। देन यहाँ से हम एक्सट्रूजन लेंगे, देन यहाँ से सेट पिकअप प्लेन, ओके, और इस स्पेसिफिक प्लेन को सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ से हमने इसको वायर फ्रेम लगा लिया, जिससे कि हमें यहाँ पे अपनी जो फ्लोर है उसका आइडिया मिल जाए। सो यहाँ से मैं, मेरी फ्लोर है सो यहाँ से यहाँ तक समथिंग लाइक दिस, या फिर मैं इसको आगे समथिंग कुछ इस तरह से एक्सटेंड कर देता हूँ और यहाँ से कुछ इस तरीके से, अगेन रियलिस्टिक। और यहाँ से हम इसको फिनिश एंड ये जो हमारे पास मॉडल है इसको हम इस तरफ यहाँ पे कुछ इस तरह से एक्सट्रूड करा लेंगे और इस फेस को इसके अलाइनमेंट में, ओके, समथिंग लाइक दिस। सिंपली क्लिक ऑन फिनिश मॉडल और यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट है ये सिंपली यहाँ पे क्रिएट हो गया, रैम्प वाला पार्ट, ओके। देन इसके बाद हमें यहाँ पे अपनी टोपो सरफेस क्रिएट करनी है। सो टोपो सरफेस के लिए सिंपली गो टू साइट व्यू
साइट व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे गो टू मासिंग एंड साइट, देन टोपो सरफेस। एलिवेशन जो भी आप देना चाहते हो अपने टोपो सरफेस का यहाँ पे दे सकते हो, मैंने कहा 0 फिट 0 इंचज ही रहेगा। और समथिंग यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं पॉइंट्स क्रिएट कर लूंगा अपने टोपो सरफेस के लिए। ठीक है, सिंपली क्लिक ऑन फिनिश, अगेन गो टू टोपो सरफेस, देन यहाँ से प्लेस पॉइंट अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अगेन क्लिक ऑन फिनिश, देन अगेन टोपो सरफेस फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड बैक टू वर्क। ठीक है, यहाँ पे हम एरो की से इसका कुछ अलाइनमेंट करना चाहो तो आप अलाइनमेंट भी कर सकते हो, सिंपली फिनिश, अगेन टोपो सरफेस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस एंड समथिंग लाइक दिस। ओके, इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस, और यहाँ से फिनिश। चेकआउट द 3D व्यू, आप यहाँ पे अपना कंप्लीट टोपो सरफेस इस तरीके से देख सकते हो। अब यहाँ पे जो टोपो सरफेस का मटेरियल है ये मड मटेरियल है, इसको अगर मुझे ग्रास में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सिंपली अपने टोपो सरफेस को सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मटेरियल का ऑप्शन आएगा, मटेरियल पर जाने के बाद यहाँ पे बाय कैटेगरी का ऑप्शन है, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे 3 डॉट पे। अब यहाँ पे ग्रास का मटेरियल वैसे हमें नहीं मिलेगा, सो वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल बी क्रिएटिंग अ न्यू ग्रास मटीरियल। सो यहाँ से आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट एंड डुप्लीकेट मटीरियल, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ से क्रिएट न्यू मटीरियल पे हम क्लिक करेंगे, आइडेंटिटी पे आते हैं, देन यहाँ पे डिफॉल्ट न्यू मटीरियल हमारे पास आ गया, नेम दे देंगे यहाँ पे 1 डॉट ग्रास, ग्राफिक्स में यूज रेंडर अपियरेंस, अपियरेंस में हम यहाँ पे ग्रास की इमेज सेलेक्ट करेंगे। सो सिंपली क्लिक ऑन दिस इमेज और हमारे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्चर्स हैं ग्रास के, सो ये हम यहाँ पे डाउनलोड करके सिंपली इसको लोड करा लेंगे। ठीक है, अगर ये आप ये टेक्सचर्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी डाउनलोड लिंक हमारे कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल में आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो सिंपली अपने आप यहाँ पे ग्रास को सेलेक्ट किया, सिंपली हिट ओके और यहाँ पे बाहर की तरफ क्लिक करेंगे तो देखो ग्रास का मटेरियल लिस्ट पे आ जाएगा। सिंपली सेलेक्ट ऑल दिस टोपो सर्फेस बाय प्रेसिंग कंट्रोल बटन और यहाँ से मटेरियल में हम इसका ग्रास मटेरियल अप्लाई कर देंगे। सो ये ग्रास का मटेरियल इस तरह से हमारा अप्लाई हो जाएगा अपने टोपो सरफेस पे। बाकी यहाँ पे जो भी रोड का मटेरियल है, फुटपाथ का मटेरियल है, वो हम यहाँ पे बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, सो ये था हमारा यहाँ पे सिंपली रोड क्रिएशन का पार्ट, फुटपाथ का क्रिएशन का पार्ट और यहाँ पे किस तरीके से अपनी टोपो सरफेस क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में। सो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड या फिर ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो एज ऑलवेज मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।